फोटोग्राफ बाय शिली टॉन्सन। आज इस वीडियो में मैं ये पूरी पोएम पढ़ूंगी, इसका अच्छे से आपको मीनिंग बताऊंगी और वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो ये स्टोरी बेसिकली एक फोटोग्राफ के बारे में है जो नरेटर की मदर की है। यहाँ पर वो बताती कि ये फोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पर लगी हुई है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फोटोग्राफ में टू गर्ल कजिन्स थी जो पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि मदर जो है वो बीच में खड़ी हैं और जो दो गर्ल कजिन्स हैं वो पैडलिंग कर रही है उनके आस पास। एंड शी द बिग वन सम 12 years और सो, इसका मतलब जो मदर है वो सबसे बड़ी है इन तीनों में और वो कुछ 12 साल की हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्योंकि ये सी था तो जो बाल हैं वहाँ पे तीनों लड़कियों के वो उड़ रहे थे, वो स्टूड स्टिल होके जिससे हम नॉर्मली स्माइल करते हैं कैमरा की तरफ वो कर रही थी और ये कैमरा उनके अंकल के हाथ पे था। इसका मतलब वो एक सी हॉलीडे पे गई थी बीच पर अपनी दो कजन्स, एक अंकल और वो खुद, तो ये 4 लोग गए थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पर उन्होंने इस बात को सिम्फिसिस दिया है कि ये फोटो तब की है जब वो पैदा नहीं हुई थी और उनका मदर का फेस बहुत स्वीट है बचपन में है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर इसमें बहुत डीप मीनिंग है इस बात का कि जो सी है वो कम चेंज होता है टाइम के साथ, क्योंकि ये तो नेचर है, ये इटर्निटी तक जीता है, लेकिन जो ह्यूमन है, ह्यूमन का एंड आता ही है, उनको मरना पड़ता ही है। ये बहुत हार्ड, बहुत ही फैक्ट है जो हमें मानना पड़ता है, ये बहुत टेरिबल है। इसलिए यहाँ पर हमें बताते हैं कि वॉच दे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पे ट्रांजिएंट हमें बताते हैं कि ह्यूमन की लाइफ भी ट्रांजिएंट होती है लेकिन नेचर की नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ये टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, साइनिक डोकी एंड ट्रांसवर्ड एपिथेट। ठीक है, आगे सम 20-30 years लेटर शी लाफ एट द स्नैपशॉट। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अब मदर है, ये फोटो जैसे जब 12 साल की क्लिक हुई थी तो अब उससे 20-30 साल बाद, यानी कि जब वो कुछ 30 या 40 साल की होंगी तब वो ये फोटो देखती है, तो वो कहती है सी बेटी एंड डॉली शीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। आगे हमें बताती है कि जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो कहती थी सी बेटी एंड डॉली, उन्हें देखिए कि वो कैसे बीच के लिए तैयार होती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नरेटर हैं वो थोड़ी सैड हो चुकी हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि जब ये मदर ने फोटो देखी थी तो उनका पास्ट था ये सी हॉलीडे, और अब जब मैं ये फोटो देख रही हूँ तो मेरा पास्ट है वो, उनकी हंसी, क्योंकि अब वो नहीं रही हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे वो बताती कि वो दोनों ही सैड हो जाती है, क्योंकि जो मदर है वो सैड हो जाती हैं अपने बचपन को देखकर कि अब वो टाइम चला गया है जब उन्हें कोई वरी नहीं होती थी लाइफ की, जब कोई ये जिंदगी की कोई टेंशन्स नहीं होती थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। और नरेटर को बुरा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही हैं, वो उनकी हंसी दोबारा नहीं सुन पाएंगी। यहाँ पर ये लेबर डीज ऑफ लॉस है ऑक्सिमोरॉन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इट इज़ ट्रू रियलिटी एंड इनएविटेबल, ये जो डेथ है ये ट्रू है, ये इनएविटेबल है, हम झुठला नहीं सकते इस बात को। आगे नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो हमें बता रही हैं कि उनको मरे हुए इतने साल हो चुके हैं जितने की वो अब हैं उस फोटोग्राफ में। एंड ऑफ द सर्कमस्टांस, यहाँ पे ये जो सर्कमस्टांस है वो है उनकी डेथ, मदर की डेथ को बताया गया ये सर्कमस्टांस। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस साइलेंसेस। यहाँ पर वो बताती कि अब उनकी डेथ हो चुकी है तो अब इतना ज़्यादा अटर पेन है, ये किसी भी मदर का लॉस बहुत ज़्यादा पेन होता है एक बच्चे पर, कि अब उनके पास इस सर्कमस्टांस में कुछ बोलने को नहीं रहा है। इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से आप लोगों के लिए लिखा भी है। द साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ एंड द ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ लॉस ऑफ हर मदर म्यूट्स द नरेटर। यहाँ पे बताते हैं कि जो साइलेंस है वो फोटोग्राफ में देखती है वो ओवरवेलम हो जाती है अपने मदर की लॉस से और इसलिए वो म्यूट हो जाती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं वो पढ़ना चाहूँगी।
नो मोर. अभी वहां पे जब हमने यहाँ पे ये रेफर किया था कि मदर को क्यों दुख होता है फोटोग्राफ देखकर, तो उन्हें इसलिए दुख होता है बिकॉज देयर इज नो मोर प्लेफुलनेस और कैजुअल, बट हैज टर्न्ड ओवरबर्न्ड विद द लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. शी हैज बिकम मोर सॉम्बर. यहाँ सॉम्बर वर्ड अच्छा है. सॉम्बर वर्ड यही होता है कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो सैड हो जाते हैं. आगे मैंने ये हल्का सा आप ये मैं पढ़ना चाहूंगी. ये पोएम की शॉर्ट सी समरी है ताकि आपको लिखने में ये हेल्प करे. द पोएट्स मदर हैड बिन आउट ऑन अ सी बीच हॉलीडे ईयर्स बैक. शी इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट इट. नॉस्टैल्जिक वर्ड है कि वो याद कर रही है वो समय. सिमिलर टू वॉट द पोएट फेल्ट वेन शी रीलिव द मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर. यही वो कह रही है कि ऐसी नॉस्टैल्जिक वो बेटी भी हो चुकी थी उस मदर की, जब वो देखती हैं वो फोटोग्राफ और वो मेमोरीज दोबारा जीती हैं. द मेमोरीज इन ईच केस ओवर ब्यूटिफुल बट पेनफुल. वो बताती हैं कि जो मेमोरीज थी दे वर ब्यूटिफुल बट पेनफुल टू रिकॉल एज टाइम स्वेप्ट अवे सो ईजली. वो बताती हैं कि ये जो मेमोरीज हैं ये याद करने के लिए बहुत ही अच्छी थी लेकिन बहुत पेनफुल भी थी. यहाँ पे हमें बताते हैं कि फिलोसफीज ऑफ डेथ एंड ट्रांजियंस ऑफ लाइफ. ये जो एक नीचे का पैराग्राफ है वो बेसिकली हर पैराग्राफ का थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताया गया है. तो जो नीचे का पैराग्राफ है वो हमें बताता है फिलोसफीज ऑफ डेथ एंड ट्रांजियंस ऑफ लाइफ, कि यू नो लाइफ खत्म होती है. और इसी तरह ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप मेरा आप नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे. थैंक यू.